स्वीकार और पूरी प्रक्रिया को भी माननीय सर्वोच्च अदालत ने संवैधानिक घोषित किया है सर्वानुमत से। माननीय बहुत सारे सवाल परसों तक उठाए गए, परसों भी लोकसभा में कहा गया कि ये बिल अभी लंबित है, क्यों जल्दबाजी में ला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगी, आपको राह देखनी चाहिए। माननीय ये सारे स्टैंड जो थे वो न्याय के लिए नहीं थे। नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय किया था वो निर्णय को लंबित करने के लिए थे, उस इरादे से किए गए थे। माननीय आज निर्णय कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने और ढेर सारी चीजों को जो भारतीय जनता पार्टी 1950 से बताती थी और कांग्रेस, विपक्ष और विशेषकर कम्युनिस्ट भाइयों का हमेशा से हम पर आरोप था कि राजनीतिक बातें आप कर रहे हो, ये सारी चीजों को आज सर्वोच्च अदालत ने अमली जामा पहना दिया। न्यायालय ने माना कि जम्मू कश्मीर के पास कभी भी आंतरिक संप्रभुता नहीं थी, जो हमारा कहना था। उन्होंने कहा कि भारत के साथ ट्रीटी के कारण भारतीय संविधान के बाहर राज्य को कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं मिलती है, इस बात को सुना। माननीय न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थाई प्रावधान था, इसमें कोई शंका कुशंका नहीं है, ये संवैधानिक सत्य है कि धारा 370 अस्थाई समाधान। अब ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है और जो नेहरू जी के विचारों के, नेहरू जी के कामों के बड़े प्रशंसक है और अनुयायी है, उनको भी पसंद नहीं आता है जो हम कहते हैं। मगर मैं उनको बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, अगर धारा 370 इतनी ही न्यायिक थी, इतनी ही जरूरतमंद थी, तो इसके सामने एक ही आर्टिकल है माननीय, जिसके सामने टेम्पररी शब्द का उपयोग किया गया, वो स्वयं नेहरू जी ने क्यों किया होगा। जो लोग कहते हैं कि धारा 370 परमानेंट है, वो संविधान सभा की मनसा का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान। माननीय आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इसका मतलब ये है, ये जो कहा धारा 370 अस्थाई प्रावधान था, इसका मतलब ये है कि ये दावा याचिकाकर्ता का 370 को कभी हटाया ही नहीं जा सकता, वो दावा सिरे से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है कि संविधान को और देश के संसद के सदनों को पूरा अधिकार है धारा 370 हटाने। माननीय न्यायालय ने यह भी माना कि राज्यपाल शासन और राष्ट्रपति शासन की जो उद्घोषणाएं हुई, इस पर भी ढेर सारे सवाल उठा गए कि राष्ट्रपति शासन गलत तरीके से लगाया गया, राज्यपाल शासन गलत तरीके से लगाया गया। इन्होंने भी, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि राज्यपाल शासन और राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणाओं को चुनौती देना ठीक नहीं है, ये पूर्ण रूप से संवैधानिक प्रक्रिया के तहत। माननीय अनुच्छेद 373 में जो प्रावधान है वो संविधान सभा ने ही तय किया है। जब टेम्पररी इस प्रोविजन को किया गया, तब सवाल हुआ है कि टेम्पररी है तो हटेगा कैसे, तो धारा 373 के अंदर एक प्रावधान डाला गया कि सीओक से राष्ट्रपति महोदय धारा 370 में सुधार भी कर सकते हैं, इस पर रोक भी लगा सकते हैं और पूर्णतया संविधान के बाहर भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति का जो आदेश था, तत्कालीन राष्ट्रपति का 5 अगस्त 2019 का आदेश सीओ था, इसके माध्यम से राष्ट्रपति जी को पूर्ण अधिकार है अनुच्छेद 370 का संचालन बंद करने का, ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने सर्वानुमत से होल्ड कर दिया है, उसको उस पर मोहर लगाई। इस आधार पर
याचिकाकर्ता ने एक तर्क दिया था, याचिकाकर्ता कौन है वो तो सभी लोग जानते ही है, सभी लोग जानते हैं, मैं कोई नाम देना नहीं चाहता। नहीं नहीं नाम देकर क्या करेंगे, यही बोले ही है वो तो, इसमें कोई एक्सपोज करने जैसी बात नहीं। माननीय 370 के तहत कोई भी घोषणा करने के पहले जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का परमिशन जरूरी है, अनुमोदना जरूरी है, ये उनका क्लेम था। और उसको क्लेम को एक्सटेंड करते हुए आगे ले गए, क्योंकि अब तो जम्मू कश्मीर में संविधान सभा है ही नहीं, तो इसका मतलब यह हुआ कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के परमिशन के बगैर धारा 373 के तहत कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, और संविधान सभा समाप्त हो गई है इसलिए धारा 370 परमानेंट हो गया। माननीय ऐसा आर्गुमेंट मैंने मेरे जीवन में भी, मेरे 5 धाराशास्त्रियों को पूछा कि मेरी समझ में कोई गड़बड़ है या ये डिमांड कोई गड़बड़ है, कि डिमांड तो गड़बड़ है ही है, ये आर्ग्यू कर रहे उनकी समझ में भी बड़ा प्रॉब्लम है। माननीय आज सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा समाप्त होने से धारा 373 समाप्त नहीं हो जाता है, धारा 373 यथावत रहता है। माननीय न्यायालय ने यह भी माना कि धारा 370 के तहत मिली हुई शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति महोदय एक तरफा सूचना जारी कर सकते हैं, जिसको संसद के दोनों सदनों का सादे बहुमत से अनुमोदन चाहिए, ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। जो कहते थे कि राष्ट्रपति महोदय का सीओ ठीक नहीं है, आज उसका भी जवाब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। माननीय उपयुक्त बिंदुओं का सीओ 272 पर कोई प्रभाव नहीं है, ये भी सिद्ध करते हुए अनुच्छेद 371D के तहत राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण नहीं है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी होल्ड कर दिया है कि क्योंकि जब अब धारा 370 समाप्त हो चुकी है, अब जम्मू कश्मीर के संविधान का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। माननीय न्यायालय ने चुनाव कराने के लिए भी चुनाव आयोग को निर्देश करे। माननीय बहुत सारे लोग अब इसमें तो इतना सारा लूट गया, जो दावे थे सारे खारिज हो गए, तो एक पूंछ पकड़कर मैंने बाइट देखा करते हैं, क्या पूंछ पकड़ते हैं कि चुनाव आयोग ने ऑर्डर कर दिया। अरे भाई क्या ऑर्डर करा, मैंने स्वयं कहा है कि हम चुनाव कराएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसी सदन में कहा है, लोकसभा में करा है, एज अ गृह मंत्री ऑन रिकॉर्ड करा है। उन्होंने कहा कि भाई राज्य का स्टेटस वापिस देंगे, तो ये भी मैंने कहा है कि अप्रोप्रिएट टाइम पर राज्य का स्टेटस हम वापिस देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जो कहा है उसमें मेरे सदन में के बयान को और सॉलिसिटर जनरल के सुप्रीम कोर्ट के सामने बयान को कोट करते हुए कहा है। अब